क्या हुक्मरान की नाफरमानी खुदा की नाफरमानी के बराबर है? मैंने सुना था कि ऐसा ही है, अगर है तो कुरान और हदीस में इसका जिक्र कौन सी सूरह या हदीस में है? बता दें, अगर आवाम हुक्मरान का हर हुक्म माने और अगर उसके किसी गलत और इस्लाम के खिलाफ हुक्म माने तो उसका गुनाह किसको होगा? ये जितनी बातें आपने फरमाई हैं इन सभी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लम ने बड़े वाज़े तरीके से दीन का मुद्दा वाज़े कर दिया है और वो बिल्कुल वही मुद्दा है जो कुरान में बयान हुआ है। कुरान मजीद में तो उसूल के तौर पर यह बात बयान कर दी गई है कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के पैगम्बर की इताअत करो और अपने हुक्मरानों की इताअत करो। यानी हुक्मरान जो कानून बनाते हैं, कायदे बनाते हैं, जाहिर है कि वो सोसाइटी को चलाने के लिए नागजीर हैं, तो आदमी को चाहिए कि उनके बारे में कानून शिकनी का नहीं बल्कि उनकी इताअत का रवैया अख्तियार करें। ये बात कुरान मजीद ने की और कुरान ही ने वहां ये बात वादे कर दी कि फ़इन तनाज़ा तुम फिशैन फरुद्दू इलल्लाह व रसूल। यानी जिन मामलात में कोई इख्तलाफ होगा, एक तरफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात होगी, दूसरी तरफ हुक्मरानों की या किसी और नौयत की कोई नज़ा होगी, तो उसमें बहरहाल आखिरी अथॉरिटी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास है। ये एक मुजमल बात थी, हुजूर ने इसको वाजे किया। आपने फरमाया कि देखो हुक्मरान जो कानून बनाते हैं, कायदा बनाते हैं, जो हुक्म देते हैं उसकी इताअत करो, जिसने इसमें इताअत का रवैया इख्तियार किया उसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। फिर आपने मनफी तरीके से वाजे किया एक हदीस में कि जिसने इस मामले में नाफरमानी और कानून शिकनी का रवैया इख्तियार किया उसने मेरी नाफरमानी की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। ये बात वाजे की। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर कोई बात खिलाफ दीन हो तो आपने वाजे फरमा दिया कि ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियत खालिक, यानी जिस मामले में अल्लाह की नाफरमानी लाजिम होती है उसमें हम पर कोई इताअत की जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई अल्लाह अल्लाह के दीन के खिलाफ हुक्म दिया जाता है तो मुसलमान को हक हासिल है कि उसको मानने से इनकार कर दे। तो किसी गलत बात के मानने का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो चीज़ें गलत नहीं हैं उनके मामले में बहरहाल कानून की पाबंदी की जाएगी और कानून शिकनी का रवैया इख्तियार नहीं किया जाएगा। और इसको अल्लाह ने, अल्लाह के पैगंबर ने अपनी नाफरमानी और अपनी फरमाबरदारी पर महमूल फरमाया है। इस वजह से मैं हमेशा ये राय रखता हूँ कि जब आप सुरख बत्ती तोड़ते हैं तो ये दर हकीकत सिर्फ कानून शिकनी नहीं है, ये अल्लाह अल्लाह के रसूल की नाफरमानी। यानी कानून के मामले में एक मुसलमान का रवैया यही होना चाहिए, इसी की तालीम हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है।